अब मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि रघुवीर सिंह जी साहब अब सिरोही से आग्रह करूंगा कि आप पधारे और एक समाज को नई दिशा दें। मान्य महाराज साहब, आज अपने प्रतिभाओं को सम्मानित किया है, इसलिए मैं विद्या की देवी की आराधना से ही आरंभ करना चाहता हूं। घंटा शूल हले निशंक मुशले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्दै गदिंगनाञ्च विलसत् सीता सुतुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्रभाम त्रिनयनाम आधार भूता महाम पूर्वा मत्र सरस्वती मनुभजे शुंभाश दैत्याग्री। सम्मानित मंच, हमारे जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर शेखावत, जालौर के पूर्व कलेक्टर, जालौर के प्रतिष्ठित अग्रगण्य सरदारों, मेरे राजपूत भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी है और मैं बधाई देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजकों को कि उन्होंने इस राजपूत समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए इतना भव्य आयोजन रखा है। इसके लिए वो सब बधाई के पात्र हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर शेखावत साहब को फॉर द काइंड वर्ड्स ही हैड फॉर मी। और मैं बधाई आप सब लोगों को इस बात के लिए भी देना चाहता हूँ, संभवतः अधिकांश लोगों को इस बात का पता भी नहीं कि आज जिस नगरी में अपन एकत्रित हुए हैं, इस ऐतिहासिक नगरी, आज से 1300 वर्ष पूर्व भारत की राजधानी थी। मैं आपको इतिहास का वो एक चैप्टर बताना चाहता हूँ जिसमें देवल साहब भी यहाँ विराजमान हैं। 712 ईस्वी सन में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। दैट वॉज द फर्स्ट इन्वेजन बाय लैंड रूट ऑफ इंडिया बाय इस्लामिक फोर्सेस। वहाँ के परमार राजा दहीर सेन को परास्त कर समर सिंध को मुस्लिम कन्वर्ट कर बाय फोर्स टू बी ईदर रेड और डेड, और वो सेनाएं आगे बढ़ी, जब भारत की ओर प्रवेश किया तो उस समय श्रीमाल पर राज कर रहे थे नागभट्ट प्रथम प्रतिहार सम्राट। उन्होंने अपनी शूरवीरता से ओनली बाय शियर डिंट ऑफ करेज उस मुस्लिम सेना को वापस धकेल दिया, परंतु उनको बात इस बात का पूर्णतः पता था कि एवरी डे इज नॉट संडे। दोबारा ये आक्रमण आया तो संभवतः सभी धराशायी हो जाएगा। तो नागभट्ट प्रथम श्रीमाल के नरेश फिर माउंट आबू पसारे। वो उस समय की बात है जब शंकराचार्य की गादी भारत में नहीं थी, वो 8वीं सदी से आई। ये 712 का किस्सा है। तब गुरु वशिष्ठ की गादी जो माउंट आबू पर है उसका भारत के अंदर बहुत बड़ा महत्व था। नागभट्ट ने जाके गुरु वशिष्ठ से कहा कि मेरे कहने से तो संभवतः सब एकत्रित हो न भी हों, धर्म के नाम पर पूरे भारत के नरेश एकत्रित होंगे, आप आबू पर ही गए कॉन्फ्रेंस रखें और सब आए। और वशिष्ठ आश्रम में धर्म गुरु ने खड़े होकर कहा कि इट इज नॉट द फ्यूनरल ऑफ नागभट्ट, इट इज द फ्यूनरल ऑफ एंटायर हिंदुइज्म एंड भारत। आप सब एकत्रित होकर इस आने वाली शक्ति का मुकाबला करें। तब नागभट्ट प्रथम को ही सेनापति, यूनाइटेड फोर्सेस ऑफ इंडिया का सेनापति डिक्लेयर किया गया, क्योंकि आखिर युद्ध तो उसी के क्षेत्र में होना था, उसी के राज्य में होना था।
जब नेक्स्ट अटैक सिंध से आएगा इस्लाम का। दूसरा अटैक 6 महीने के अंदर अंदर ही आया। समस्त भारत की सेनाओं का नेतृत्व करते हुए नाग भट्ट प्रथम ने मुसलमान सेनाओं को समाप्त कर दिया और उसी का फायदा उठाते he declared himself the emperor of India. Now Chimal becomes the imperial capital of India. 20 साल तक वो रही, उसके बाद वो राजधानी स्वर्णगिरी ले गए, जिसको बाद में जवालीपुर कहा गया, आज जालोर कहते हैं। तदुपरांत अवंतिका, जिसे आज उज्जैन कहते हैं, और फाइनली कन्नौज। जब 5वीं पीढ़ी राज कर रही थी मिहिर भोज, वो विश्व की प्रथम शक्ति, उसने अपने सैन्य बल के साथ पुनः सिंध पर आक्रमण किया और टोटली नेस्ते नाबूद कर दिया उन मुसलमान सेनाओं को, उन आक्रमणकारियों को, और समस्त सिंध को पुनः हिंदू करने लगे, जस्ट बाय वन ऑर्डर। उस दिन से ये कहावत चली है, मार मार के मुसलमान बनाया तो के हिला हिला के हिंदू बनाया। 850 ईस्वी सन में मिहिर भोज का एक आदेश ही काफी था और समस्त सिंध पुनः हिंदू हो गया। इतना जबरदस्त उसका प्रहार था मिहिर भोज का कि उसके बाद 150 साल तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं आया। एंड देयर आफ्टर द सेकेंड इन्वेशन ऑफ इस्लाम केम इन 997 AD अंडर बुक्तिचिन द फादर ऑफ मोहम्मद गजनवी। यह तारीफ है इस नगरी की। आपके बारा शाम का मंदिर उसी समय का है जब इस नगरी का एक अजीबोगरीब वैभव था। अंदर जब अपनी पूर्ण क्षति हुई पर फिर भी ये तारीफ है कि उसके बाद भी ऐसी धाक थी भारत की पूरे विश्व के अंदर कि 3000 वर्ष तक उसके बाद भारत पर कोई आक्रमण नहीं आया। अपनी संपूर्ण क्षति हो गई थी फिर भी लोग उस धाक से डर गए थे। एंड द फर्स्ट फॉरेन इन्वेशन ऑफ इंडिया टुक प्लेस इन 400 BC, दैट वॉज फ्रॉम पर्शिया। वो तो बॉर्डर प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान से ही वापस धकेल दिया गया। द सेकेंड फॉरेन इन्वेशन ऑफ इंडिया केम इन 327 BC, ईसा से पूर्व, वो सिकंदर महान का यूनानी आक्रमण। ऑन द 4th of May 327 BC एलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। परंतु अक्टूबर 323 BC में जब वो वापस लौटने लगा तो ये तारीफ की बात है, वेस्टर्न हिस्टोरियंस भी इस बात की पुष्टि करते हैं। टोलमी द बायोग्राफर ऑफ एलेक्जेंडर द ग्रेट ऑल्सो कन्फर्म्स कि जब वो वापस लौट रहा था बाय द बोट्स सिकंदर महान अक्टूबर 323 BC, तब मेरे ही पूर्वज मुल्तान नरेश ने, उस टाइम में मुल्तान नहीं कहलाता था, उन्होंने मूलस्तान, उन्होंने उसको चुनौती दी। सिकंदर ने उनसे लड़ाई लड़ी और मुल्तान नरेश के गदा के घाव से सिकंदर महान का लिवर इतना बैडली डैमेज हो गया कि उसके बाद 2 महीने में ही डाइड ऑफ नॉन स्टॉप डायरिया एंड डिसेंट्री ऑन वे टू मैसेडोनिया इन इराक। आज सिकंदर महान की कब्र बगदाद में। विश्व का एकमात्र विश्व विजेता भारत से चोट खा गया है। ये विशेषताएं भारत 322 BC सिकंदर के मरने की खबर आते ही चाणक्य की मैं तारीफ करता हूँ। उसने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि आप पूरे भारत में एक झंडा लेके एक नारे से घूम कि मैं समस्त भारत को यूनानी आक्रमण से मुक्त करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ हैं कि नहीं। इसी ने नानी कहा, समस्त भारत उसके साथ जुड़ गया। 2 महीने में एक आउट और चाणक्य के मार्गदर्शन में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य स्थापित किया, द मौर्यन एम्पायर, इट वॉज द लार्जेस्ट एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री।
आज के आपके सार्क के जो 7 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, दे वर ऑल पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। परंतु उसका भी 185 बीसी में पतन। मौर्यंस वर परमार्स, इसलिए अपन एक कहावत जानते हैं पर इतिहास नहीं जानते। मेरे जितने भी पगड़ी बंधे हुए भाई विराजमान हैं सब एक बात जानते हैं, परमारो तनी पृथ्वी के पृथ्वी तना परमार, ये तो सब जानते हैं। तो ये कब हुआ, क्या हुआ, ये उस टाइम में हुआ, मौर्य काल में। जहाँ तक पृथ्वी का एक्सटेंट था वहाँ तक मौर्य एम्पायर था, परमारों का राज्य था, और वो एम्पायर भी खत्म हुआ 185 बीसी में। तो उसके बाद महान साम्राज्य हुआ 335 एडी में, गुप्त साम्राज्य, वो भी क्षत्रिय थे। 335 एडी टू 585 एडी, 250 वर्ष उन्होंने विशाल भारत का सपना देखा। भारतीय संस्कृति, धर्म, शासन प्रणाली साउथ ईस्ट एशिया में गई, और आज एंकोर वैट विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर भारत में नहीं, काम्बुज में है, जिसे कैम्बोडिया कहते हैं अंग्रेज। ये विशेषता है भारत की। उसके बाद अपन यहाँ आज जोधपुर नरेश मेरे भाई हैं, अपने आप को राठौड़ कहते हैं। द वर्ड राठौड़ कम्स एक्चुअली फ्रॉम राष्ट्रकूट, एंड द माइटी राष्ट्रकूट एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया विद इट्स कैपिटल एट मान्यखेत फ्रॉम 754 एडी टू 972 एडी वाज़ द नंबर 1 पावर ऑफ द वर्ल्ड। ये तारीफ है राष्ट्रकूट। उसी समय ये परमार साम्राज्य हुआ, ये प्रतिहार साम्राज्य हुआ, जिसके प्रतिनिधि विराजमान है देवल साहब। लास्ट ग्रेट पावर ऑफ द वर्ल्ड वाज़ द चौहान एम्पायर अंडर विग्रहराज चतुर्थ 1150 टू 1164 एडी। विग्रहराज चतुर्थ ने 1163 एडी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, और तब से लेके आज दिन तलक दिल्ली भारत की राजधानी है। ये तो विशेषताएं हैं इस राज्य की, जाति की। एक और विशेषता आपको बताऊं, नो वेयर इन द एंगल्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसा कभी हुआ हो कि क्षत्रानियों ने जौहर किया था। नो लेडीज एनी वेयर इन द वर्ल्ड कभी जौहर हुआ, कोई इतिहास में ही नहीं, किसी जाति में, किसी देश में नहीं, केवल क्षत्रिय जाति। वी प्रिफर डेथ टू डिसऑनर, ये विशेषताएं थी क्षत्रानियों की। एंड द फर्स्ट जौहर टुक प्लेस हिस्टोरिकली अगेंस्ट द अटैक ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अपन सब महारानी पद्मिनी, महारानी कर्णावती, चित्तौड़ के तीनों साके अपन को याद है, परंतु ये पता नहीं कि प्रथम जौहर कब हुआ था। दूसरा इम्पोर्टेंट जौहर हुआ जब दहीर सेन राजा की महारानी ने 1100 क्षत्रानियों के साथ सिंध के किले में 712 में जौहर किया। दिस इज अनहर्ड ऑफ इन द एंडल ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, कभी कहीं नहीं हुआ। ये विशेषता एक क्षत्रिय जाति की, ये गर्व की बात है अपने सबके लिए। सेकंड गर्व की बात है कि सिर कटने के बाद धड़ लड़ा हो तो केवल क्षत्रिय होगा। आज अपन जालौर की धरती में सब एकत्रित हुए हैं, मेरे ही पूर्वज वीरम देव सोनिग्रह 1311 ईस्वी सन की वैशाख महीने की पंचमी को जब अलाउद्दीन खिलजी के साथ सिर कट गया जालौर किले से उतरते उतरते। सिर कटने के बाद दोनों हाथों में तलवारें थी और वो लड़े। कवि को कहना पड़ा, आप फटे धड़ उस से कटे बख्तरा को, सिर टूटे धड़ धड़ फड़े जद छूटे जालौर। ये विशेषता है, सिर कटने के बाद धड़ लड़ना।
हमारे सिरोही में उसके बाद की घटना है 17 अक्टूबर 1583। विजय सिंह देवड़ा का सिर कटा बास्थान जी में और धड़ पड़ा वहां से 22 मील दूर बाबली में, उसकी दो जगह चली। ये विशेषता आपको और किसी जाति में दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। थर्ड ग्रेट थिंग क्षत्रियों की जो थी कि केसरियां करने के बाद जब तक अंतिम आदमी में जान है तब तक वो किला भर नहीं सकता। और आज की दुनिया के ये हाल है कि जनरल नियाजी 92,000 फोर्सेस सब ठाट बाट के साथ सरेंडर होता है 1971 में बांग्लादेश हुआ। उस टाइम में जब अंतिम समय तक एक आदमी जिंदा है तब तक लोग किला सरेंडर नहीं होगा। ये केवल विशेषता है क्षत्रिय जाति की, राजपूतों की। और एक आपको और बात मैं कहना चाहूंगा जिसको शायद आप भूल गए हैं कि आज भारत के अंदर 100 करोड़ हिंदू हैं, ये केवल देन इन क्षत्रियों को। इस्लाम ने क्या किया था 570 ईसवी सन में मक्का में मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ, 638 ईसवी सन में 68 साल की उम्र में गुजर गया। उनके पुत्र की मृत्यु उनके जीवन काल में ही हुई थी, इसलिए उनके बाद उनका उत्तराधिकारी बना उनका ससुर खलीफा उमर। वो अपनी राजधानी मक्का मदीना से बगदाद ले गया और उसने दो विशाल सेनाएं गठित की, एक पूर्व की ओर जाए दूसरी पश्चिम की ओर। जो पश्चिम की ओर गई वो मिस्र की महान सभ्यता को खत्म करती हुई जाके मोरक्को और स्पेन से टकराई। जो पूर्व की ओर आई 28 वर्षों तक युद्ध करने के बाद पर्शिया को खत्म किया, जिसको आज ईरान कहते हैं, वो पारसियों का देश था, अग्नि उपासक थे, और उनको समाप्त करने के बाद वो सेनाएं मुड़ी गंधार प्रदेश में जिसे आज अफगानिस्तान कहते हैं। चकता भाटी राज कर रहा था, अपना ही राजपूत जैसलमेर का पूर्वज। 7 वर्ष तक उसने टक्कर झेली, उसके बाद उसने घुटने टेके और उसके बाद 712 में सिंध पर आक्रमण हुआ इस्लाम का। परंतु इन सब आक्रमणों के अंदर भी दे कुड डू नथिंग टू अस। इस्लाम का यहाँ भारत के अंदर जिस जिस देश में वो गए हैं विश्व के अंदर संपूर्णतया वहाँ की धर्म को परिवर्तित कर दिया है। आज पर्शिया के अंदर पारसियों का देश था, उसे आज ईरान कहते हैं। अब खुमैनी साहब वहाँ के धर्म गुरु हैं, राष्ट्रपति भी मुसलमान है। पारसी धर्म का एक व्यक्ति आज ईरान में नहीं है, मैं जाके देख के आया। पारसी पोलिस जो उनकी राजधानी है वो आज खंडर में पारसी। ये का ये हाल भारत का होता, आज 42 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इस्लामिक टुडे। और उसके अंदर उन्होंने ये निर्णय लिया कि समस्त देश तलवार के बल पर इस्लामिक बनाया जाए। ये कि ये हाल भारत का होता यदि अपने क्षत्रियों का बलिदान नहीं होता। इस बात को अपन भूल जाते हैं और अपने नेता लोग अपने इस बलिदान को गौण करते जाते हैं। अपना बलिदान नहीं होता तो भारत कभी हिंदू नहीं रहता, समस्त भारत इस्लाम हो जाता। दिस क्रेडिट मस्ट ओनली गो टू द क्षत्रिय। और 1100 इस्लामिक फर्स्ट आक्रमण केम इन 650 AD बाय द सी रूट टू वल्लभीपुर इन भावनगर सौराष्ट्र में। शिलादित्य अपना सूर्यवंशी राजा था, उसने उसको खदेड़ दिया। उसके बाद दूसरा आक्रमण आया 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में बाय द लैंड रूट टू सिंध। 650 से लेकर 1192 तक 34 major battles were fought by the Indian emperors against Islam. भयंकर संघर्ष हुआ 500 वर्षों तक।
और 1192 ईस्वी सन में जब मेरे ही पूर्वज पृथ्वीराज चौहान परास्त हुए तरावड़ी के युद्ध में अगेंस्ट मोहम्मद गोरी, तब हमारे राष्ट्र कवि चंद बरदाई को कहना पड़ा, धर पलटी पलटी धरा पलटी हाथ कबाण, चंद कहे पृथ्वीराज ने दिन पलटो चौहान। वो भारत का दिन ही पलट, और उसके बाद 666 वर्षों तक दिल्ली पर हरा झंडा फड़का फ्रॉम 1192 टू 1858। परंतु उसके अंदर तारीफ की बात है अपने क्षत्रियों का बलिदान, उसके खातिर ही पूरा भारत के अंदर आज 100 करोड़ हिंदू हैं। और उस अंधकार में मध्यकालीन युग में तारीफ की बात यह है कि अग्रगण्य भाग किसी ने लिया हो उनके खिलाफ संघर्ष करने में, स्वतंत्रता की ज्योति को प्रज्वलित रखने में, इट वॉज सिरोहियन मेवाड़। कवि ने उसके लिए कहा है, अकबर शाखे आगले भरत खंड जोड़े हाथ, नाथ उदयपुर न नम्यो नम्यो न अर्बुदनाथ। ये दो राजा कवि ने मिले, तो इन सब चीजों से अपने को कुछ न कुछ सीखना। वी हैव टू, मैं आपसे एक अर्ज करूं, आज से 30-35 वर्ष पूर्व एक जंबो जेट एटलांटिक महासागर में गिरा। इट वॉज पॉपुलरली नोन एज द लॉकहीड डिजास्टर। उसके बाद मैंने उसको बहुत महीन तरीके से स्टडी किया। जंबो जेट तो गिर गया, 402 लोग मर गए, वो तो वापिस आने नहीं थे, परंतु अमेरिका और इंग्लैंड और सारे यूरोपियन पावर मिलकर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसका ब्लैक बॉक्स को निकालो, उसका ये इन्वेस्टिगेशन करिए कि गिरा तो गिरा क्यों। मैं भी ताजुब करने लगा कि साला उस 402 में से एक भी आदमी वापस जिंदा नहीं होना, वो प्लेन वापस नहीं आना, ये गए हुए के पीछे इतने करोड़ों रुपए का ही खर्च कर रहे हैं, अरबों रुपए। बट दे वॉन्टेड टू फाइंड आउट वॉट वॉज द रीजन, किस लिए वो प्लेन गिरा, उनको उसका पता चल जाए तो दोबारा ऐसी घटना न हो। अपन सब राजपूत भाइयाँ बैठे हैं, आप लोगों ने कभी इस बात का विश्लेषण किया है कि क्यों अपने हाथ वहाँ पहुँच गए थे अपन एट द ग्रेटेस्ट हाइट इन द वर्ल्ड, और वहाँ से कहाँ आज अपन नीचे पहुँचे, इस पतन का क्या कारण, इसका विश्लेषण कभी किया है? नहीं। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इसका विश्लेषण किया जाए, तभी अपन अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। इफ वी नो व्हाट मिस्टेक वी हैव कमिटेड, इट शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन एंड देन वी विल राइज। यही उत्थान का एक मार्ग है। तो क्या अपने पतन के कारण हुए, ये आप इतिहास से जानिए। क्षत्रिय जाति का प्रथम पतन कब हुआ? उत्थान तो हुआ करोड़ों वर्ष पहले, भगवान राम को 35 लाख वर्ष हुए, वहां से लेके महाभारत को 5280 वर्ष हुए हैं, वहां तक भारत प्रथम की विश्व की प्रथम शक्ति थी। परंतु महाभारत में क्या हुआ, अपने ही राजा, कोई विदेशी आक्रमण नहीं आया, अपने ही राजा आपस में लड़े, अपनी ही फूट, अपनी ही ईर्षा, अपनी ही बेवकूफ़ी, और फलस्वरूप भारत की समस्त शक्ति, समस्त ज्ञान विज्ञान सभी समाप्त। करेक्ट। दूसरा अपना पतन कब आया, 185 BC, 323 BC में चाणक्य और चंद्रगुप्त ने भारत के इतिहास का सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। परमारो तणी पृथ्वी, तो पृथ्वी तणा परमार, 7 देशों पर अपना, ऑल द 7 सार्क नेशंस ऑफ टुडे, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ एशियन नेशंस वो पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। और इतना विशाल साम्राज्य किस पॉइंट पर गया, 185 BC में। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था सम्राट अशोक, सम्राट अशोक का पोता था बृहद्रथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने होशियारी से यूनानी आक्रमण को तो खदेड़ दिया, भारत पर मौर्य साम्राज्य स्थापित कर दिया 322 ईसा से पूर्व। परंतु
वो यूनानी लोग बात को भूले नहीं थे कि सोने की चिड़िया आज अपने हाथ से जा रही है। सिकंदर तो मर गया, पर उसका जो प्रथम सेनापति था सेल्यूकस, वो विशाल सेना का गठन करके आके भारत पर आक्रमण किया 323 BC। 6 महीने बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत होशियारी से पूरे भारत को एकत्रित करके विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए यूनानी सेना का भिड़ा उसके साथ। परंतु जब युद्ध अच्छी तरह जम गया तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को समझ में आने लगा कि ये युद्ध अपन हार रहे हैं, इतनी विशाल भारत की सेना भारत की धरती पर युद्ध फिर भी हार रहे हैं, क्यों हार रहे हैं? ग्रीक फोर्सेस वर वेरी वेरी वेल ट्रेन्ड बाय एरिस्टॉटल द गुरु ऑफ एलेक्जेंडर द ग्रेट। ऐसी ट्रेनिंग अपनी फौजों को नहीं थी। तब ये तारीफ करता हूँ मैं चंद्रगुप्त मौर्य की, उसने कहा कि ऐसी परिस्थिति में अपन इनको जीत तो नहीं सकते, परंतु सारी सेना को कह दीजिए, एक ही आदेश दिया उसने कि अपने लड़ाई नहीं लड़नी, ये सेल्यूकस जो उनका सेनापति है इसको किसी भी हिसाब से कब्जे कर। एंड दे डिड इट, सारी भारतीय सेनाओं ने जाकर एक ही काम किया, आक्रमण ओनली ऑन सेल्यूकस, और उसको गिरफ्तार कर लिया। सेल्यूकस जो उनका सेनापति था, अब उनका सम्राट था, वो गिरफ्तार हो गया भारतीय सेना द्वारा। उसके खेमे में उसकी लड़की साथ में थी कॉर्नीलिया हेलन, वो भी गिरफ्तार हो गई। इनको पकड़ के ये सब पाटलिपुत्र ले गए जो भारत की राजधानी थी जिसे आज पटना कहते हैं। वहाँ जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उनके साथ मंत्रणा की तो ही केम टू द कंक्लूजन कि आज अपन ने इनको हरा दिया है या सेल्यूकस का सिर भी काट सकते हैं, परंतु यूनानी ताकत ऐसी है कि बार बार अपन को दुख देती रहेगी, इसलिए इसको हमेशा के लिए, अंग्रेजी में कहावत है टू बरी द हैचेट, इस संघर्ष को इस दुश्मनावट को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए आते जोड़ दीजिए। चाणक्य ने वो प्रपोजल रखा कि हमारे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की शादी आपकी बेटी कॉर्नीलिया हेलन से हो। तारीफ की बात चाणक्य की ये है कि उसके साथ ही उसने ये शर्त रखी कि यदि कॉर्नीलिया हेलन के पेट से कोई बेटा जन्मेगा तो हमारी प्रजा उसको सम्राट नहीं मानेगी, इसलिए उसको जागीरी वगैरह दी जाएगी पर सम्राट नहीं बनेगा। ग्रीक्स एग्रीड टू दैट प्रपोजल, सम्मान के साथ सेल्यूकस को वापस यूनान भेज दिया गया। उस दिन के बाद कोई यूनानी आक्रमण भारत पर नहीं आया, परंतु यूनानियों ने ये तारीफ जरूर की, ये उनका षड्यंत्र था कि अपने ही मौर्य साम्राज्य के हेडक्वार्टर में उनकी वाइन एंड वीमेन वर इंट्रोड्यूस टू दी इंपीरियल कोर्ट ऑफ पटना, और उसका फलस्वरूप ये हुआ कि बृहद्रथ छठी पेदी में जाकर बिल्कुल धराशायी हो गया, उनका शिकार बन गया। धुत अवस्था के अंदर, शराब के अंदर, बिल्कुल डेड ड्रंक वो पूरे दरबार में आता था। चाणक्य तो मर गया था, पर पातंजलि उस समय में ब्राह्मणों का और विद्वानों का नेतृत्व कर रहा था पूरे भारत का। उसने अपने शिष्य पुष्यमित्र सुंगदेव जो ब्राह्मण था और सेनापति था मौर्य साम्राज्य का, उसको आदेश दिया कि भरे दरबार के अंदर बृहद्रथ सम्राट का सिर काट। और 185 में वो सिर कटा थैंक्स टू वाइन एंड वीमेन, ये दोबारा अपना पतन इस कार्य से हुआ। और उसके बाद 150 वर्ष तक क्षत्रियों को भारत को निशस्त्रीकरण कर दिया गया, सभी अपन को भगा दिए गए भारत से। जब वो साम्राज्य समाप्त हुए उसके बाद अपन वापस भारत में प्रवेश करते। आज अपने अंदर कोई भाटी विराजमान होंगे जैसलमेर के, तो मैं उनको एक दुहा कहूँ तो ये मेरी बात की पुष्टि होगी। जैसलमेर मतलब जो राज खानदान है वर्तमान
महाराबल साहब भगवान श्री कृष्ण से 160 में हैं इन डिसेंट पीढ़ी में, और इस 5280 वर्ष में इन्होंने 9 दफ़े अपनी राजधानी बदली है। वो मैं आपको दुहा कहता हूँ, वो बिल्कुल इसकी पुष्टि करेगा। मथुरा, काशी, प्रयागवर, फिर किक लगती है 185 बीसी में, गजनेरी, भटनेर, दुर्म, दुरावो, लुद्दरवो, नमो, जैसलमेर। जैसलमेर वो फाउंडेड इन 1172 AD। तो मतलब 185 बीसी में मथुरा, काशी, प्रयागवर 3000 वर्ष तक पूर्व में गए, वहाँ किक लगी, वेंट स्ट्रेट टू गर्नी अफगानिस्तान। प्रयागवर से गर्नी, अलाहाबाद टू गर्नी, दैट वाज द किक ऑफ 185। और फिर क्या होता है, सेकंड अपना पतन 4 दफे हुआ है महाभारत में। 185 बीसी में जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ, वाइन एंड विमेन, महाभारत में वाइन, विमेन एंड डिसयूनिटी ऑफ द राजपूत। 185 बीसी में डिसयूनिटी नहीं थी। तीसरी दफे अपना पतन कब होता है, 1192 AD, जब अपन भारत की प्रभुसत्ता खो बैठे मुसलमानों के हाथ हमेशा के लिए, मोहम्मद गोरे के। इस बात का आप लोगों को कोई ख्याल नहीं, इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए कहाँ भारत का भाग्य का पतन हुआ था 1192। पृथ्वीराज चौहान 1178 AD में गादी पर आया, 14 साल राज किया 1192 तक। मोहम्मद गोरी के 7 आक्रमण को एक धूल में मिला दिया उसने। पूरा भारत मानता था कि पृथ्वीराज चौहान अजेय है, उस पर कोई जीत नहीं सकता, ही वॉज इनविंसिबल। और वही पृथ्वीराज चौहान जब 1192 में मोहम्मद गोरी के हाथ हारा तरावड़ी के द्वितीय युद्ध में, क्या कारण हुआ इसका किसी ने विश्लेषण नहीं किया है। कोई इतिहासकार, कोई पुस्तक में आपको ये बातें नहीं मिलेगी। हारने का यही कारण हुआ राजपूत डिसयूनिटी। 7वें युद्ध में 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को एकदम गुस्सा आ गया कि सारा बार बार ये उठ के आता है, अब लड़ने के लिए तैयार, अब लड़ने के लिए, आज तो इसको खत्म ही कर दो। ऐसा जोरदार प्रहार किया, मोहम्मद गोरी का हाथ कटते कटते बचा, इतने बुरी तरह से घायल हुआ कि 6 महीने तक पाटापीटी करने के बाद वो खड़ा हुआ, उससे खड़ा भी नहीं हो सकता था। मोहम्मद गोरी के 14 सेनाएं थी, 20,000 की टुकड़ी, 14 सेनापति थे, उसमें से 7 तो दुम दबा के भाग गए 1191 के 7वें युद्ध में। ऐसा उसकी पराजय हुई, माफी मांग के गया। और वही मोहम्मद गोरी ने घर जाके 2 काम किए, 6 महीने तक तो पलंग में सोता रहा, पाटापीटी करके खड़ा हुआ। उसके बाद उसने निर्णय लिया कि अब जीवन पर्यंत अपन वापस पृथ्वीराज चौहान का मुंह नहीं देखेंगे, भारत की ओर जाना नहीं, बहुत बहुत हो गया। तब अपने ही देश के 6 राजपूत सम्राट, राजा, बड़े बड़े गजनी पहुंचे। ये बात किसी इतिहास में नहीं है, ये क्योंकि इतिहास सब अंग्रेजों के लिखे गए हैं आपके पतन के लिए, आपके उत्थान के लिए। आपको बात आई सुनिए, मैकॉले साहब ने यही आदेश दिया। तो 6 राजपूत राजा वहां पहुंचे और उनको कहा कि साहब हम तो चाहते हैं कि तू पृथ्वीराज को परास्त कर। वो तो कहे बाप जी मेरे तो बहुत होगी, मेरे नहीं आना, कि हम 6 के 6 तेरे को पूरी मदद करेंगे मिलिटेरली और तू आ। तब बेचारा बहुत मुश्किल से हिम्मत बांध के वापस मोहम्मद गोरी आया भारत में अंतिम युद्ध के लिए 1192। जम्मू नरेश अपनी पूर्ण सेना के साथ मोहम्मद गोरी के साथ जुड़े पृथ्वीराज के खिलाफ। दूसरे 5 हिंदुस्तान की जो महाशक्तियां थी, सभी राजपूत थे, मैं किस किस का नाम लूं, सब मेरे गिनाए थे। उन्होंने क्या किया, अपनी संपूर्ण सेना को लाकर पृथ्वीराज की बाउंड्री पर खड़ी कर दी। आज पाकिस्तान की संपूर्ण सेना भारत के बॉर्डर पर आके खड़ी हो जाए, चाहे पाकिस्तान की सीमा में ही रहे, अपना तो ये दायित्व तो बनता है कि अपनी सेना उसके सामने ले जाके खड़ी कर दे। पता नहीं किस वक्त वो प्रवेश कर जाए भारत में। पृथ्वीराज मजबूर हो गया कि वो अपनी सेना
ले जाके अपनी बॉर्डर पर जगह जगह तैनात की कि वो प्रवेश नहीं करें। तो उसके पास लड़ने के लिए क्या बचा? नॉट इवन 1/3 ऑफ हिज आर्मी। तब मोहम्मद गोरी सफल हुआ 1192 में, पृथ्वीराज परास्त हुआ और भारत की किस्मत फूट गए। करने वाले कौन? अपन। ये कोई आपको बातें बताता नहीं। और उसके बाद मैं तारीफ करना चाहता हूं अपने दुश्मन की, अपने भाइयों की नहीं। मोहम्मद गोरी ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया माघ महीने में, सेकंड बैटल ऑफ तरावड़ी और नारायणा। और 1197 के अंदर 5 साल बाद उसने कन्नौज पर आक्रमण किया। वही 6 में से एक वो था। एक और मैं आपसे बात करना चाहूँगा, मेरे राठौड़ भाइयाँ विराजमान हैं, उनको बहुत स्पष्टता से आपको समझाना चाहता हूँ कि जयचंद आपका बाप नहीं है। मैंने जोधपुर दरबार को भी समझाया था, वो इतने प्रभावित हो गए, उनको कहा, उन्होंने कहा कि मैं ऑल इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस जोधपुर मेहरानगढ़ फोर्ट में रखूँगा, आपको उसके मुख्य अतिथि होकर भाषण देना है, सबको हमको समझाना है। मैंने कहा आपका कन्नौज पर राष्ट्रकूटों का शासन, आप समझ लीजिए कान खोल के, 1022 ईस्वी सन से 1090 ईस्वी सन तक ही रहा। 3 राजाओं ने राज किया और अपन बात कर रहे हैं 1192 की, उसके 100 साल बाद। तब तो जो गहरवाल शासन वहां स्थापित किया था मोहम्मद गजनवी के वंशज खुसरो ने, राष्ट्रकूटों को राठौड़ों को वहां से भगा के 1090 ईस्वी सन में उनका 6ठा राजा जयचंद राज कर रहा था। तब अपने तो जयचंद की बात होती था हमारा, तो उस जयचंद पर जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया 1197 ईस्वी सन में, जयचंद ने मोहम्मद गोरी से कहलवाया कि मूर्ख, मेरे खातिर तेरे को हिंदुस्तान का राज मिला, आज तू मेरे ऊपर आक्रमण करता है। तो मोहम्मद गोरी के वो शब्द थे, ये सोने में अंकित कर दीजिए, दिस इज वॉट यू हैव टू लर्न फ्रॉम हिम। अपना दुश्मन था फिर भी ये सीखिए उससे। उसने क्या कहा, क्या जवाब दिया जयचंद को? तू तेरे राष्ट्र का नहीं हुआ, तू तेरी मातृभूमि का नहीं हुआ, तू तेरे धर्म का नहीं हुआ, तू तेरे खून का नहीं हुआ, जाति का नहीं हुआ, अपनी औलाद का नहीं हुआ, अपने रिश्तेदारों का नहीं हुआ, तो मेरा कैसे होगा? अब जयचंद के पास कोई उपाय नहीं था, कोई उसको मदद देने वाला नहीं था। तो कन्नौज के किले के ऊपर चढ़ के मैंने जाके वो किला भी देखा है, 4 कोने का है, लाल पत्थर का बना हुआ है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं 60 या 80 फुट ऊंची। उसके बगल में ही गंगा नदी बहती थी। अब कोर्स चेंज करके वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, उस समय में 800 साल पहले उसके निकट बहती थी। ऊपर से उसने कंठा बीड़ के जल समाधि दी। दैट वॉज द एंड ऑफ जयचंद 1197। कहने का भावार्थ क्या है? वी मस्ट लर्न फर्स्ट थिंग, क्षत्रियों को यदि आज भी ऊपर आना है तो एक संकल्प आज लेना होगा। क्या लेना होगा? कि एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय को नहीं काटेगा। यदि इसके लिए ये सदन, इसके लिए ये सदन यदि आज प्रस्ताव पास करता है तो अपना उत्थान है, नहीं तो अपना पतन। क्या सब हाथ ऊंचे करेंगे? दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। The Rajputs must have unity. इतिहास इस बात का साक्षी। इसीलिए भारत 666 वर्ष तक गुलामी में गया, only for this one reason. दूसरा आपने पतन का कारण क्या? Wine, women and meat. उसी के खातिर माँ भारत हुआ, मौर्य साम्राज्य गया, जो अपना सबसे बड़ा साम्राज्य था क्षत्रियों 185 BC। और अंत में अपने को एक बात और ध्यान रखना है, जिसके खातिर अपना अंतिम पतन हुआ कब? 1948 से 1949, जिसके
विटनेसेस कुछ कुछ यहाँ विराजमान है, मैं हूँ राव साहब, हम जिंदा थे 1948 में 1949 में, चाहे बच्चे होंगे तो वी वर अलाइव। उस टाइम में क्या हुआ, पतन का क्या कारण, दैट बी अंग्रेजों का ये षड्यंत्र था कि उन्होंने अपने को अपनी प्रजा से दूर कर दिया, 3600 वर्ण को गले से लगाना और उनको हमेशा साथ रखना 35 लाख वर्षों से अपन करते आए। इसी के लिए पूरी प्रजा अपन को क्या कहती थी, नरानंचा नराधिपति, ये हमारा विष्णु का अवतार है राजा को कहा जाता था। मैंने मेरे नजरों से देखा है नेपाल के अंदर किंग महेंद्र, किंग वीरेंद्र जो मेरी हम उम्र था, मेरा मित्र था, वर्तमान नरेश भी मेरा मित्र है, उनका छोटा भाई किंग ज्ञानेंद्र मेरे से छोटा है उम्र में 3-4 साल। तो किंग महेंद्र और किंग वीरेंद्र की एक तरफ पशुपतिनाथ की फोटो, एक तरफ राजा की फोटो, उनको रोज सुबह शाम हर घर हर दुकान के अंदर आरती उतरती थी। ये क्या ये हाल भारत के अंदर था 1935 तक, और फिर अंग्रेजों के षड्यंत्र में कांग्रेस वालों ने यहाँ प्रजामंडल मूवमेंट रचा 1935 से, इस काम के लिए कि अपने राजपूतों को अपनी प्रजा से काटें और अपने बदनाम करें। और उसका परिणाम क्या हुआ, जो हिटलर के एडवाइजर गोबल्स ने कहा था, उसके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने, कि टेल अ लाई 1000 times देन इट बिकम्स द ट्रूथ, एक झूठ को यदि आप 100,000 times रिपीट करते हैं, लोग बेचारे भोले हैं जो मानने शुरू कर देंगे कि साहब यही सत्य। इसी के आधार पर इन लोगों ने अपने को अपनी प्रजा से काटा है, मैं कहता हूं वापिस अपन उनके साथ जुड़ेंगे। इसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि 1935 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आया, 1914 में 2 साल तक उसका किसी ने भाव नहीं पूछा, 1916 में बॉम्बे में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये भी पहुँचा, ये जवानी ऐसा उस टाइम में युवा दिन 40 बुढ़ा नहीं था, बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल वो सब फ्रांट बैठे, इसने रिक्वेस्ट की कि साहब आप सबका भाषण समाप्त हो तो एंड में मेरे को भी बोलने दिया जाए। मैं समझता हूँ कि गांधी ने जीवन के अंदर 4 ही उपदेश दिए हैं जिसके लिए मैं उसके सामने नतमस्तक हूँ, अदरवाइज आई कंसिडर हिम टू बी 0, आप कुछ भी माने उसको। वो 4 क्या थे, 3 तो उसने 1916 में दिए, प्रथम अधिवेशन जिसमें उसका नाम हुआ बॉम्बे में, उसने पहला बात क्या कही कि ये अंग्रेज जो हैं दे आर ए नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, ये व्यापारी वर्ग, इनको आप हाथ टांग मारो तोड़ो उससे कुछ नहीं होता, व्यापारी के पेट में गुस्सा मारो तो भी उसको समझ में आता है, नहीं तो कुछ नहीं आता। इसलिए उसने कहा आप स्वदेशी अपनाइए तो अंग्रेजों की सब फैक्ट्रियां बंद होगी, ये भारत से कॉटन वुल और डाइज ले जाके इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर लैंकेस्टर बर्मिंगहम ग्लासगो वहाँ बढ़िया से बढ़िया फैक्ट्रीज के अंदर कपड़ा बनाते हैं, डॉर्म्यूल सूट लेंथ 1000 गुनी कीमत में ला के भारत में बेचते हैं, अपना ही सिर अपना ही जूता। गांधी ने कहा आपने 3rd class नहीं 10th class खादी पहनो, हाथ के चरखे से बनी हुई, परंतु अंग्रेजों को पैसा नहीं जाना चाहिए, चालूंगे फैक्ट्री बंद हो गई, जोरदार उसने काम किया। सेकेंड ही सेड कि अंग्रेज जो हैं आज आप ये ड्राइंग रूम मूवमेंट करते हैं, आज अपने पास तो 1000-2000 लोग हैं, ड्राइंग रूम मूवमेंट में 25-50 लोग 100 लोग होते हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा, हाँ कि होंगे होंगे सब बड़े बड़े लोग बुद्धिशाली, पर इससे जब तक भारत की प्रजा नहीं जुड़े, करोड़ों लोग इस अभियान के साथ नहीं जुड़े, तब तक अंग्रेज नहीं जाएंगे। एंड इन 1916 फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज मेड अ पब्लिक मूवमेंट, ये श्रेय गांधी को जाना चाहिए। तीसरी बात उसने क्या कही, उसने कही कि यदि अंग्रेजों की ये रीत आज भी है कि कोई कुत्ते को मारना हो तो पहले उसके लेबल लगा दोगे ये पागल कुत्ता, उसके बाद आप उसकी गोली ठोकोगे तो सब आपको थैंक्स देने आएंगे, साहब अच्छा किया,
और यदि लेबल लगाए बगैर आपने उसकी गोली मार दी, सारा गांव कहने आएगा कि बाप जी ये क्या किया आपने, बेचारे कुत्ते को क्यों मारा। तब उसने कहा कि अपने को नॉन वायलेंट होना है, जैसे अंग्रेजों के पास इतनी शक्ति है, इतना फायर पावर है, इतनी सेना है, इतने बंदूकें हैं, तोपे हैं कि वो अपन सबको खत्म कर देंगे। ये तीन बातों के लिए आई गिव हिम 100 out of 100 मार्क्स। ये 1916 की बात। चौथी बात जिसके लिए मैं उसको नंबर देता हूँ, वो एक उसके ही ये स्लोगन था, कर विचार दो पाम। आप विचार नहीं करेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे। फर्स्ट थिंग इज यू मस्ट कर विचार दो पाम। ये तो है उसकी ग्रेटनेस। उसके बाद बाकी सब जीरो। 1935 में जो उसके चेले तैयार हुए थे 1916 में इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, वो वापस आके धूल डाल के रोने लगे, अरे भैया क्या हुआ, पूरे भारत को तो तुमने कवर कर लिया, सब जगह तुमको सक्सेस है, अब किस बात का रोना है। उन्होंने जाके कहा कि बाप जी पूरे भारत में तो सक्सेसफुल हो गए, परंतु आधा भारत ही अपने कब्जे में, क्योंकि बाकी का भारत को, बाकी के भारत पर तो महाराजा सिरोही, महाराजा जोधपुर, महाराणा उदयपुर ये राज करते हैं, सब स्टेट्स हैं। वहाँ अपनी ये बात कहाँ चले कि साहब ये अंग्रेज विदेशी हैं, भारत को लूटने आए हैं, वहाँ से ताला राज ही तो महाराजा सिरोही का, वहाँ वो कौन से विदेशी है, तो ये क्या करेंगे। तब उसने कहा कि तुम्हारे स्टेट्स एरिया के लोगों को मेरे पास लाओ, बुद्धिशालियों को, उनके साथ बैठ के अपन मंत्रणा करें, कोई रास्ता निकालें इसका। इसलिए ये बात सही है कि आधा भारत अपने चुंगल से बाहर हो जाएगा। देन दे स्टार्टेड व्हाट वाज नॉट नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल मूवमेंट नहीं, प्रजा मंडल मूवमेंट। ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, देशी राजाओं के खिलाफ, हमारे खिलाफ, आपके खिलाफ। और तारीफ करता हूँ कि जो 35 लाख वर्षों से अपन ने अपनी साख जमा रखी थी प्रजा के अंदर, नरानंचा नराधिपति विष्णु का अवतार की तरह पूजते थे, और ऐसी ही अपनी करनी थी, उसको धूल में मिला दी। और 1947 जब आया तो ताली बजा के अपने राज गए। चाहिए, परंतु एक और मैं आपको बात, तुम उन्नत काश्तकार हो इसलिए तुम कास्ट करते हो, यस सर ये बात सही है, क्योंकि अब हम एक नारा लगाएंगे कि जोते उसकी जमीन, इसलिए तुम सब हमारे साथ हो जाओ। तो 1945 में 10 वर्ष बाद पहले डेढ़ जाति जुड़ी, अब दो और जुड़ी। अब आया 1947 जब इन्होंने अपना षड्यंत्र रचा, तो महाराजा जोधपुर की मैं तारीफ करता हूँ, उन्होंने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसको चैलेंज करना चाहता हूँ कि लोग मेरे को चाहते हैं, राजा को चाहते हैं, कि तुमको चाहते हैं। पूरे जोधपुर स्टेट के अंदर 36 MLA सीटें थी 5 जिलों में, सब में महाराजा जोधपुर हनुमंत सिंह जी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, 36 में से 34 जीते। और दो किस लिए नहीं जीते, कि उन्होंने अपने नॉट बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी बट बिकॉज उन्होंने षड्यंत्र करके अपनी जान बचा ली। एक था मथुरादास माथुर मेरा मित्र, एक और बाकी महाराजा जोधपुर ने कहा था कि मैं मेरे एक नुमाइंदे को खड़ा करके तुम्हारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को धूल में मिला दूंगा, और वो था जयनारायण व्यास जो भैंसवाड़े के अंदर हारा ठाकुर माधुर सिंह जी के सामने। तो कहने का भावार्थ ये है कि प्रजातंत्र आने के बाद 12 वर्ष के कुप्रचार और झूठ के प्रचार के साथ भी महाराजा जोधपुर ने जवाब दिया, 36 में से 34 जीत। और नारा क्या था, कोई अच्छे दिन या बुरे दिन का नारा नहीं था, मुँह थौसू दूर नहीं, एक ही नारा था। ये तारीख है। आज भी भारत की प्रजा दुखी। मैं विश्व फिरता हूँ इसलिए आपके सामने ये बातें गुजारिश पेश करता हूँ। मिडल ऑफ सितंबर में डेढ़ महीने पहले मैं नेपाल में था, काठमांडू में। वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहाँ का संविधान पास करने जा रही थी,
इन विदेशी ताकतों ने, अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, यूरोप ने, सब सफ़ेद चमड़ी ने मिलकर 32 अरब रुपए भेजे मेरे सामने काठमांडू के 627 जो मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, केवल उनको ये बांटने हैं इसलिए कि तुम संविधान पास करो। क्या संविधान पास करो? कि ए, इट शुड नॉट बी ए हिंदू राष्ट्र, धर्म निरपेक्ष राज्य होना चाहिए ताकि हमारा ईसाई धर्म इसमें प्रवेश कर सके। दूसरा कि इसको प्रजातंत्र डिक्लेयर करिए, कहीं राजा का नाम नजदीक नहीं आवे। आज 95% ऑफ नेपाल वॉन्ट्स हिंदू राष्ट्र, 70% ऑफ नेपाल वॉन्ट्स द किंग बैक, और उन्होंने ये संविधान पास करवाया कि अब मेरे सामने 17 सितंबर को मैं वहीं था, क्योंकि वो 32 अरब रुपयों ने काम किया। उनको क्या गर्व थी 32 अरब रुपये खर्चने की? दो बात, यदि हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर नहीं होता है तो ईसाई धर्म का वहाँ पर चलन होगा, धर्म निरपेक्ष राज्य के नाम से एडवांस्ड। प्रजातंत्र डिक्लेयर होता है, किंग का राज नहीं होता है, राजा का राज नहीं होता है, तो फिर वो देश को लूट सके। इसलिए ये 32 अरब का तो एक लॉलीपॉप दिया। ये बातें आपके बुद्धि से ऊपर की, आप में से एक व्यक्ति को पता नहीं है, सब यहाँ बड़े बड़े लोग बिराजे हैं, कि भारत जिस दिन आज़ाद हुआ उस दिन भारत पर एक नए पैसे का कर्जा नहीं था, और आज भारत के ऊपर 90 लाख करोड़ का कर्जा है। द क्रेडिट गोज टू द वेस्टर्न पावर्स, ये षड्यंत्र उन्होंने रचा है। इसका अर्थ क्या होता है? भारत की 135 करोड़ की आबादी है। मैं बच्चों को, पढ़े लिखों को कहता हूँ कि आप कंप्यूटर पर या कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर दीजिए कि 90 लाख करोड़ को 135 करोड़ से डिवाइड करते हैं तो एक एक के नाम पर, मैंने करके देखा है, 63,000 करोड़ का कर्जा आपके सिर पर, मेरे सिर पर, हर एक व्यक्ति के सिर पर है। कहाँ से लाएंगे, कहाँ से भरेंगे? ये षड्यंत्र है इन देशों का, जिसके बारे में आपको कोई बात का ज्ञान नहीं है। बात करने को तो अपन सब बात कर लेते हैं, ये मेरा प्रजातंत्र है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। वर्ल्ड के अंदर इन सफेद चमड़ी ने 6 जहर घोले हैं पिछले 500 वर्ष में। 1858 में ब्रिटिश लाइब्रेरी में बैठ के एक जर्मन जू ने, कार्ल मार्क्स ने, डास कैपिटल लिखी, द बाइबल ऑफ कम्युनिज्म। 1917 में वो क्रियान्वित हुई, पुट इनटू प्रैक्टिस इन रशिया, 2 करोड़ लोगों की जान गई तब वो प्रैक्टिस में। और एक फ्रेंच स्कॉलर, मैं दुनिया भर फिरता हूँ, ये सब जगह मेरे को स्कॉलर मिलते रहे, एक फ्रेंच स्कॉलर ने रिसर्च की है और ये निकाला है कि पूरे विश्व के अंदर कम्युनिज्म सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के लिए आज दिन तक 100 मिलियन लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। इतनों का कत्ल किया गया तब ये कम्युनिज्म सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। इसको क्या करना है, कुएं में डालो? क्या मतलब है? तो फिर भी ये इट इज द फैशन ऑफ दिल्ली। अब अपन कहते हैं कि साहब प्रजातंत्र, अरे पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने 32 अरब रुपए काहे के खर्चे? उनको क्या लड्डू मिलता है? आप अपने घर में कैसे रहो, क्या खाओ, क्या पियो, क्या ओढ़ो, क्या पहनो, इज योर चॉइस। उनको क्यों? इसलिए कि वो जैसा आज भारत का हाल हुआ है वो नेपाल का हाल होगा। परंतु तारीफ ये है, मैंने अमेरिका जाके इनके सिर पर भाषण दिया था, मैंने कहा हमारे हिंदुस्तान जब 35 लाख वर्षों तक विश्व की प्रथम शक्ति थी, समस्त विश्व अपने लिए थैंक्स देता था, दे वर ग्रेटफुल टू अस, और आज समस्त विश्व आपको गाली देता है, ये आपकी नीति है। और पूरे विश्व को लूटने के बाद फिर भी ये भिखारी है। आज जितने प्रजातांत्रिक देश हैं दुनिया के अंदर, ईच वन ऑफ देम इज इन डेट। ग्रीस का तो भट्टा बैठ गया, ये तो आप बच्चों को भी पता होगा क्यों कहीं ना कहीं अखबार पढ़ते हैं। परंतु यूरोप के 19 देशों में से 6 देश तो ग्रीस की भांति डूब चुके हैं, धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। अमेरिका जो विश्व को लूट रहा है वो उसके खुद की भी हालत खराब है।
दिस इज दी कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये मैं आपका समय न लेते हुए ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपन क्षत्रिय जाति को पुनः अपने ही पूर्वजों की ग्रेटनेस को ध्यान में रखते हुए एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करना है, जिससे नॉट ओनली अपनी जाति का निर्माण हो परंतु इस समस्त देश और विश्व का निर्माण। और मैं माँ क्षेमकरी जो भीनमाल की रक्षक देवी है उसी से विनती करता हूँ कि जैसे उसके आशीर्वाद से अपने पूर्वजों को सफलता मिली प्राचीन समय में, वो आज अपन को मिले। केनोपमा भवतु तैस पराक्रमस्य रूपंच शत्रु बहार तिहारि कुत्रो चित्तै कृपा समर निष्ठुर दाच दृष्टा त्रियेवि देवी वरदे भुवनत्रयेपि। धन्यवाद।